ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखाकर कृषि के अलग अलग कार्यों का प्रशिक्षण देगी। स्कीम के अंतर्गत सरकार 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन मुहैया कराएगी। योजना के तहत 10 से 15 गांवों के क्लस्टर में एक महिला को ड्रोन सखी के रूप में चुना जाएगा। ड्रोन सखी के रूप में चुनी गई महिला को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ड्रोन के जरिए खेतों में खाद और पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगी। स्कीम का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो कृषि गतिविधियों में शामिल रहती हैं। ये जो हमारी जो सब्सिडी स्कीम है, लगभग इसमें 10 लाख रुपए, मतलब टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10 लाख का 80%, मतलब 8 लाख रुपए देंगे। तो 8 लाख रुपए में हम लोग इसका जो प्रशिक्षण का खर्च है वो भी इसी में इंक्लूड होगा। और इसमें जो है लगभग जो ट्रेनिंग है वो 15 दिन का होगा, 5 दिन का जो है कंपल्सरी ट्रेनिंग होता है DGCA द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग जो है बहुत ही गहन ट्रेनिंग होना चाहिए और बहुत ही प्रशिक्षण का जो है कालावधि, इसीलिए भी हमने पहले मैंडेटरी 5 दिन का है लेकिन हमने 10 दिन का और इसमें इंक्लूड करके उसको सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि ड्रोन योजना के माध्यम से देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को कृषि ड्रोन से अवगत कराना है, क्योंकि कृषि ड्रोन के माध्यम से कृषक अपने खेतों में बड़े पैमाने पर उर्वरक और दूसरे कीटनाशकों का आसानी से असरदार छिड़काव कर समय और पैसे की बचत कर सकेंगे।